तो आज है संडे और संडे तो भी देखो बच्चे लगे हुए हैं पढ़ाई करने में। ये दोनों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सृष्टि उसके रूम में पढ़ रही है। दोनों के कल एग्ज़ाम है इसलिए संडे है, फिर भी चालू है पढ़ाई। कितने बजे की सू? तो अभी बज रहे हैं 10 और इन दोनों ने चाय दूध वगैरह पी लिया और लग गए पढ़ाई करने में। और यहाँ से बाहर का नज़ारा। जय गुरुदेव री सा, हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस मैं अभी बच्चों को देखने के लिए आई थी तो इसलिए ये यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी। बाकी जो मेरा डेली रूटीन का मॉर्निंग का काम होता है, कपड़े वगैरह सब, मैंने टेरिस का सारा काम हो चुका, आटा लगा के रख दिया, सब्जी एक बन चुकी, अभी थोड़ी भिंडी बनाना बाकी है तो बस वो बनाएंगे भिंडी। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। कल किसका पेपर है? दोनों के मैथ्स का पेपर है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एग्ज़ाम में चाहे संडे हो या मंडे हो, कोई भी छुट्टी हो, पढ़ाई तो करनी पड़ती है। उठे तो लेट ही थे, फिर अब पूरे दिन पढ़ाई करते रहेंगे, इसलिए तो बस 2 दिन की इनके लगातार छुट्टी आ गई थी। कल भी छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है संडे की, तो कल मंडे को इनका मैथ्स का पेपर। इसी के साथ में आप लोग भी बने रहिए हमारे आज के एक नए ब्लॉग में। अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज हम लोग भिंडी की सब्जी मतलब अलग डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी करनी चाहिए शेयर। यहाँ पे हमने भिंडी को राउंड राउंड में छोटे छोटे में काट लिया था, फिर इसमें हमने मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक ऐड किया और साथ में इसमें तिल और पिसा हुआ मूँगफली के जो पीसे हुए मूँगफली के दाने हैं वो भी ऐड किए, ये देखिए। और फिर इस मसाले को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया और यहाँ पर पैन भी चढ़ा दिया था, उसमें तेल डाला, राई जीरा, हींग डाली, फिर इसमें मैंने टमाटर और प्याज भी ऐड कर दिए। मतलब मैं इतनी दूर मैंने वीडियो नहीं लिया, तो मैंने अब गैस चालू किया है और ये देखिए ये प्याज और टमाटर पकने के लिए रख दिए। अब इसमें ये भिंडी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसको बनने के लिए रख देंगे। फाइनली ये देखिए भिंडी की सब्जी बनकर हो चुकी है, डन। कलर भी कितना अच्छा आया है, तो बस अब मैं बनाऊंगी रोटी। फाइनली अभी बज रहा है 1, मतलब दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 या 1:15 हो रहा होगा। हाँ, और सबने खाना खा लिया, घर का जो मॉर्निंग का मतलब अभी का सारा काम हो चुका है और हम लोग अभी हो गए हैं रेडी कहीं जाने के लिए। कई मतलब हमारे बुआ सा के घर पे भाभी सा से मिलने के लिए काफ़ी दिन से प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन जाने का सेट ही नहीं होता। तो वैसे हमेशा हमारा ये रेस्ट टाइम होता है, पर आज हम रेस्ट नहीं करेंगे, हम हमारे भाभी सा से मिलने के लिए जाएंगे। तो बस हम लोग, मैं, बच्चे घर पे ही क्योंकि एग्ज़ाम है तो वो करेंगे पढ़ाई, मैं, मासी, मम्मी और केसू के पापा चलेंगे हमारे साथ में। करीब यहाँ से 20-30 किलोमीटर होगा कम से कम। तो बस हम लोग आज अभी जा रहे हैं और बस तैयार, तो क्या मतलब, ये मुझे सिंपल कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए कुछ भी पहनो, तो बस मुझे नहीं, मैं कंफर्टेबल महसूस होता तो मैं तो रेडी तो नहीं, मतलब मैंने जो सुबह पहना था वही पहना है। तो हम लोग जा रहे हैं, चलिए आप भी। किसूड़ा मुझे आया है बाई करने के लिए, मेरा मेरा किसूड़ा घर पर ही है, मैं जल्दी आ जाऊँगी, ठीक है? पढ़ाई करना और लड़ाई बिल्कुल मत करना, ठीक है? ध्यान रख, मैं जल्दी जा जाऊँ, लड़ाई मत कर जा, ठीक? और यहाँ पे मासी जी भी आ गए। हम लोग पहुंच गए भविष्या के घर सरप्राइज देने के लिए। फाइनली यहाँ पे हो गया हमारा बहुत बड़ा पोपट, हम भाभी सर को सरप्राइज देने वाले थे, भाभी सर ने हमें दे दिया, वो यहाँ पे है ही नहीं है, वो उनके पीएम अभी किम गए हुए हैं और घर पे आए तो उनकी ये बीननी है यहीं पे, भाभी सर यहाँ पे नहीं है, तो हमारा सरप्राइज हो गया फैन। अब हम जाएंगे हमारे बुआ सा के यहाँ पे, उनको सरप्राइज देते, पता नहीं वो भी है या नहीं, किसी को मजा आ जाएगा। पहुंच गए हमारे भाईसा के घर पर और ये हमारे भाईसा की पोती। बाय बाय आना, टाटा। आई जाओ आई जाओ।
तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वापस से घर जाने के लिए और हम अपने भाई साहब से मिल लिए। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने दिनों बाद में वापस उनसे मिले। तो फिर भाभी साहब के घर से, उनका घर थोड़ा ही 5 किलोमीटर दूर था, तो हम वहाँ भी मिल के आ गए। तो बस अब हम वहाँ पहुँच गए। ये देखिए जहाँ हम पहले रहते थे, और ये है वहाँ की फेमस भेल। तो हम वहाँ रुके और हमने यहीं से भेल ली क्योंकि यहाँ की भेल हमने बहुत खाई थी जब हम यहाँ रहते थे। तो बस ये किसु के पापा हमारे लिए भेल लेके आए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, और हमने खाई क्योंकि इसका टेस्ट तो हमने बहुत बार कर रखा है। तो वो कहते हैं ना, एक बार कहीं की अच्छी लगती है तो फिर वहीं की पसंद आती है। और भेल खाएँ, पानी पूरी नहीं खाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आ गई पानी पूरी, और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए करा ली है पैक। और ये देखिए यहाँ पे पानी पूरी के मासी कैसे मज़े ले रही है। तो अब भी हम आए हमारे पुराने घर पे। यहाँ पे सब बिखरा बिखरा पड़ा है क्योंकि यहाँ चल रहा है कलर काम। ये देखो अभी यहाँ पूरा कलर, ये नीचे का भाग है, ऊपर रेंट पे दिया हुआ है, नीचे से खाली था तो फिर यहाँ पे कलर करवाया। यहाँ पे जो भेल बच्चों के लिए लेके आए थे घर पे, वो उनको सब मिक्स करके बना के दे दी। उनको पूछ लेते हैं उन्हें कैसे लगी, पहले मासी को पूछते हैं। मस्त लगी। देखिए सूर्य देवता भी अस्त होने वाले हैं और मेरे पीछे किसु को आ रहा है डांस। तो हम लोग मतलब करीबन 5 बजे आ गए थे घर पे, फिर घर पे आए, घर पे आके चाय बनाई और चाय बना के पी, फिर ऐसे शांति मिलती है। कहीं पे भी जाओ घर पे आके चाय बना के पियो, फिर सबसे अच्छा लगता है कि अब शांति मिली। तो चाय वगैरह पी, फिर बच्चों को भी, वो हमने रस्ते में वेल खाई थी, इनके लिए पैक करा के लाए तो इनको भी खिला दी। किसु मेरे जाने के बाद में लड़ाई तो नहीं की? नहीं, पढ़ाई की। अच्छा, बहुत। और आपके दादा साहब पास में ही थे ना आपके? हाँ, तो मतलब पापा जी यहीं पे थे तो फिर बच्चों ने लड़ाई नहीं की। आज तो पढ़ाई की क्योंकि कल है एग्जाम। और हम लोग भाभी साहब को हमने फोन पहले किया नहीं था सरप्राइज देने के चक्कर में, फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो तो उनके पियर गए। सबका ऐसे नजदीक ही है इसलिए। तो फिर उनके दो बीनड़ियाँ थी वो मिल ली, और फिर हमारे भाई साहब के यहाँ पे भी गए। भाई साहब के यहाँ पे भी उनके बेटी आए हुए थे, वो जो मेरे ननंद भाई साहब संगीता दीदी आए हुए थे, उनसे भी मिलना हो गया। फिर वहाँ से निकले और रस्ते में बेल खाई, और रस्ते से जब यहाँ आते तो हमारा जो पुराना वाला घर है वहाँ पे भी जाके, क्योंकि वहाँ भी कलर का काम चल रहा है। ऊपर से रेंट पे दिया हुआ, नीचे से खाली था, तो अभी वहाँ नीचे सारा कलर का काम चल रहा था, तो वो भी देखते हुए आगे। और फिर आ गए घर पे, घर पे आके चाय वगैरह पी और डिनर की भी तैयारी कर ली। मैंने आटा लगा के रख दिया, मासी ने दाल उबालने के लिए चढ़ा दी। यही फायदा होता है, दो जने होते हैं, एक ये कर लेती काम और एक वो कर लेती है, तो फिर फटाफट से हो जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ ये कपड़े लेने के लिए। ऊपर जाते तब तो चेहरा इतने फूल की तरह खिले हुए होते हैं कि हम कहीं जा रहे और आते तब मुरझा जाते हैं। चाय पीने के बाद में अच्छा हो जाता है, क्योंकि मुझे भी गाड़ी सूटनी होती है, मासी को भी सूटनी होती है। तो फिर इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो किसु प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।